गाइस इंडियन बैंक ड्राइंग 3D के चैलेंज मोड में तुम देख ही सकते हो कितने सारे न्यू मोड्स को ऐड कर दिया गया है। इनमें से आज हम ट्राई करने वाले GTA 5 का मोड। गाइस मैंने ना GTA 5 मोड के ऊपर क्लिक कर दिया है। तुम यहां पर भाई सब देख ही सकते हो, ये तो रियल वाले GTA 5 ओपन हो रही है। गाइस तुम्हें भी अगर इस मोड को लेना है अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर तो वीडियो को एंड तक देखना। भी फुल प्रोसेस तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने ये मोड अपनी गेम में लिया है। गाइस यहां पर तुम देख ही सकते हो भाई सब अपनी GTA 5 की फर्स्ट मिशन प्रोलॉग यानी इसमें मैं एक बैंक को चोरी कर रही वो स्टार्ट हो चुकी है। क्या मैं यार अपने प्लेयर को कंट्रोल कर सकता हूँ? हाँ यार यहाँ पर तो कंट्रोल भी आ चुके हैं। वेट भाई ये गेम बंद क्यों हो गई? ये मैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर कैसे स्पॉन हुआ हूँ? मैं तो यार GTA 5 खेल रहा था। वेट भाई यहाँ पर हमारे को एक नोटिफिकेशन आई है, लिखा है कि अगर तुम्हें GTA 5 के मोड को प्ले करना है तो तुम्हें 2 मिशंस कंप्लीट करनी होंगी। अच्छा गाइस जो अपनी फर्स्ट मिशन है वो ये कि हमें ये जो सामने वाली पुलिस स्टेशन है ना इसमें अंदर एक ब्लैक कलर की थार खड़ी है वो हमें लेनी है। तो जल्दी से पुलिस स्टेशन के अंदर चलते हैं। एंड भाई यहाँ पर थार तो तुम देख ही सकते हो ये तो खड़ी है। ऐसा करते हैं अंदर पुलिस ऑफिसर से पहले परमिशन ले लेते हैं, इसके बाद अपनी थार को लेकर दूसरे मिशन प्ले करते हैं। हेलो ऑफिसर, क्या मैं तुम्हारी थार को ले सकता हूँ? यार प्लीज मुझे दे दो, मैं एक मिशन कंप्लीट करके तुम्हें वापस दे दूंगा। नहीं भाई नहीं, कौन है तू? ये हमारे बड़े साहब की है, ये हम किसी को भी नहीं देंगे। प्लीज सर दे दो यार, मुझे लगता है कि ये इससे नहीं देंगे, इनको ना थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ बाहर जाकर मेरे पास वेपन्स पड़े हैं तो तुम देखना कि मैं कैसे गंदे तरीके से मौत देता हूँ तेरी। बेटा ऐसे कितने सी 2 सेकंड के लिए थार मिनटन से क्या मांगी? तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से जा रहे हो? वेट भाई ये भी गुस्सा हो चुके अंदर वाले, ये मेरे गन पाए जल्दी से मैं इनको मार देता हूँ। ये क्या, ये वक्त पर तो यार इन्होंने अपनी ब्रेक इनको ही मार दिया। कोई बात नहीं गाइज, मेरा दूसरी दफा स्पॉन यहाँ पर हो चुका हूँ पुलिस स्टेशन के बाहर। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर यहाँ से ये दीवार टाप लेते हैं, इसके बाद मेरे पास ना स्नाइपर पड़ा है तो आराम आराम से पहले एक पुलिस वाले को मारेंगे फिर दूसरे को, ऐसे करके सभी पुलिस वालों को मारकर अपनी ये जो ब्लैक थार है इसको लेकर अपनी मिशन कंप्लीट करेंगे। क्योंकि हम GTA 5 के बोर्ड को खेल रहे हैं तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एक गोली बजा दी, 1 स्टार पुलिस लग चुकी है लेकिन अभी भी नहीं मरा। इसको 2 गोलियां 3 गोली 4 गोली भाई सब ये पुलिस वाला पत्थर का बनाए के भाई सब, मैंने इसको 4 गोली मन लेकिन इसने तो यार मरने का नाम ही नहीं लिया। पहले मैं इसको मारूंगा, इसको मैंने खत्म कर दिया है। ये भी गया गन वाला, अभी ये जो पीछे ना पहले थोड़ा मैं दूर जाता हूँ वरना ये मुझे मार सकते हैं। तो एक को मैंने गले में गोली मार कर ख़त्म कर दिया है, बाकी ये जो लास्ट वाला है ना बेटा तो भी पहली फुर्सत में निकल खत्म बाय बाय। ओ नहीं ये क्या भाई साहब, यहाँ पर 3 स्टार की पुलिस हमारे पीछे लग चुकी है। मुझे यार किसी भी हालत में जल्दी से अपने फार को लेकर यहाँ से निकलना होगा वरना कहीं पुलिस आ गई तो हमारी आज खैर नहीं। अभी ना गाइस मुझे एक नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, मुझे यार फोन चेक करनी है लेकिन मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा बाहर जाकर वहाँ पर चेक करता हूँ क्योंकि यहाँ से ना पुलिस भी आ सकती है। क्या पता हमें दूर से कोई बंदा पुलिस वाला गोली वाली मार दे तो हम मर भी सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा आगे जाकर अपनी गाड़ी को रोक लेता हूँ एंड देख लेते हैं कि भाई हमारे को किसने मैसेज किया है। यहाँ पर गए सामने तुम देखी सच हो 2-2 पुलिस वाले मेरी तरफ आ रहे हैं। अपनी फोन में लिखा है कि दूसरा मिशन ये कि हमें ना रेलवे स्टेशन के सामने जो नदी है ना इसमें 10 क्रोकोडाइल्स मारने हैं तो मैं जल्दी से यहाँ से निकल रहा हूँ। भाई साहब देखा तुमने पुलिस वालों ने इसे अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, कोई बात नहीं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ इन वहाँ पर पहुँच कर क्रोकोडाइल्स को मरते ही। वैसे यार मुझे ना मिशन तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, रेलवे स्टेशन के सामने तो ये नदी है एंड यहाँ पर भाई साहब इसके अंदर तो क्रोकोडाइल्स। वेट भाई ये क्रोकोडाइल एक बार घूम रहा था, मैं ऐसा कर रहा हूँ थोड़ा ऊपर जाकर इस वाली रेन के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, इसके बाद मेरे स्नाइपर से इनको मारूंगा। लेकिन 1 सेकंड भाई ये अपनी थार तो यार इस रेन के ऊपर चढ़ ही नहीं सकती, नीचे से पुलिस वाला भी हमारे ऊपर गोलियां चला रहे। पहले मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, इसके बाद ये जो क्रोकोडाइल है इनको मारते हैं। मैं ऐसा करता हूँ इसके पास जाकर RPG ठोक लेता हूँ। तेरी बेटा ऐसी कितने सी तो पहली फुर्सत में निकल, एक RPG में ये नहीं गया क्योंकि इसको नहीं लगी। भाई साहब इसको लग क्यों नहीं लगी? यहाँ पर भाई इसको मैंने मार दिया। अभी इन क्रोकोडाइल्स की बार, ये तो यहाँ पर एक को मैंने ख़त्म कर दिया, दूसरा भी गया एंड तीसरा भी चल बेटा पहली फुर्सत में निकल, ये नहीं ये बच गया, इसको ख़त्म कर देते हैं। अभी तू भी निकल 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 निकलते जाओ। गाइस यहाँ पर मैंने छठे क्रोकोडाइल को अभी मार दिया है
और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ना AK-47 का मजा लिया जाए। यहाँ पर यार मैं क्रोकोडाइल्स के ऊपर फायरिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये मरने का नाम नहीं ले रही। ये हो सकता है पानी के अंदर है, इसलिए इनको गोली असर ना कर रही हो। वैसे इनकी जो बॉडी है वो भी बहुत ही सख्त है। यहाँ पर यार मेरी तरफ आ रहे, पहले मैं इसको RPGs खत्म करता हूँ, वरना कहीं ऐसा ना हो के पता चले मैं इनको मारने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मुझे ही ना खत्म कर ले। ओ नहीं भाई सब, ये तो मेरे बिल्कुल करीब आ चुका है। बेटा तो जल्दी से निकल 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 यार, इसने तो मेरे ऊपर अटैक कर दिया। गैस यार कुछ भी करके मुझे जल्दी से उठना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये क्रोकोडाइल मुझे खत्म ना कर दे। पहले मैं यहाँ से भागता हूँ, थोड़ा दूर जाकर इसे मारने की कोशिश करते हैं। अभी मेरी तरफ तो नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर थार थी तो इसने शायद मुझे नहीं देखा। इसको ये इस RPG के अंदर ही गया, इसको मैंने मार दिया। हमने ना 7 क्रोकोडाइल्स मार दी हैं, अभी भी 3 बचते हैं। तो एक को मैं कहता हूँ इस स्नाइपर की मदद से मारते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैंने शॉट कर दिया है, दूसरी गोली तीसरी गोली भी मार दी, लेकिन इसकी बॉडी भी पुलिस ऑफिसर की तरह यार पत्थर की शायद बॉडी है। अभी तो यार ये स्नाइपर से नहीं मर रही यार, हमारा स्नाइपर में थोड़ी गड़बड़ी यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सर करता हूँ इनको ना थोड़ा AK-47 से मारते हैं। वैसे यार इन क्रोकोडाइल्स के AK-47 तो कुछ भी नहीं है, इसमें इतना पावर नहीं है, लेकिन फिर भी यार मुझे पता चला नहीं क्यों AK-47 चलाने का शौक हो रहा है। यहाँ पर मैंने पहले मैं इसको ये जो नदी के अंदर थे ना इसको मैंने ख़त्म कर दिया है। अभी मैं सर करता हूँ वो जो लास्ट वाला है ना, नहीं यहाँ पर भी जाता हुआ नज़र आ रहा है भाई साहब। इसको मैंने ख़त्म कर दिया, अगर मैं यार इसको नहीं मारता तो मैं जैसे ही पानी में आगे जाता तो ये मुझे खाक कर यहाँ पर यार ख़त्म कर देता। लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने इसको देख लिया, इन्हें अपनी RPG निकाल कर इसको ख़त्म कर दिया है। मैं यहाँ पर मैं स्विमिंग करके नदी की दूसरी तरफ आ चुका हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि वो क्रोकोडाइल थोड़ा दूर है, नहीं नहीं पहले इसे मार कर देखते हैं। यहाँ पर ये एक पानी से आ रहा है, मुझे यार इन पानी वालों का डर है क्योंकि यार पानी में तो ये दिखाई भी नहीं देते। अभी दोनों को मैंने ख़त्म कर दिया है एंड बाकी जो लास्ट वाला है ना पता नहीं कहाँ पर चला चुका है। फिर भाई ये तो यहाँ पर है, इसको AK-47 से मरने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे बिल्कुल करीब है। लेकिन नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, मैं जल्द से यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि यार मेरे पीछे लग चुका है। यार मैं भी फुल स्पीड में भी स्विमिंग कर रहा हूँ, लेकिन नहीं 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 यार भाग जाओ जल्दी से, प्रैंक के लिए निकल जाओ, ये शायद मेरी तरफ नहीं आ रहा। अभी रुक चुका है यहाँ पर, मैंने इसको मतलब वेट भाई ये तो मरा हुआ था, लेकिन ये जो अपने पीछे आ रहा था ये साइड में हो गया और इसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। मेरी इस तरीके से अटैक करने के बाद भाई भागता कहाँ है, मर दे तो आ जाना। इसको मैंने ख़त्म कर दिया है। फाइनली गाइस हमारी दोनों मिशंस कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमें ऐसा करना है कि अपनी सिटी की जो बैंक है ना वहाँ पर जाना है। तो जल्दी से अपनी थार को लेकर अपने शहर में जो बैंक है ना वहाँ पर चलते हैं। गाइस अभी ये जो मिशन है ना अपनी लास्ट मिशन है, इसके बाद हम अपनी GTA 5 के मोड को प्ले करेंगे। तो हमें बस एक राइट कट लेना है, इसके बाद एक फिर से राइट कट लेकर वो सामने ग्रिल देख लेना, यही अपनी बैंक है। तो जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर रोक देता हूँ। वेट भाई ये तो थोड़ी बहुत छुप गई पीछे से, कोई नहीं, जल्दी से बैंक के अंदर चलते हैं एंड गाइस देखते हैं कि क्या होता है। बस अभी तुम वीडियो के एंड तक देखना, तो मैं भी बताऊँगा कि GTA 5 के मोड को कैसे लेना है। ओके तो गाइस अपने GTA 5 का मोड तो यार बिल्कुल सही से वर्क करा है, ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें इस बैंक से रॉबरी करनी है, तो जल्दी से हमें ऐसा करते हैं। यहाँ पर ये जो सामने वाला अपने ड्राइवर है ना इनको डरा रहा है, ये दरवाज़ा नहीं खोल रहा भाई साहब। ड्राइवर ने तो गुस्से में आकर दरवाजे को लात मार कर खोल दिया है। हमें पता नहीं क्या करना है यार, सर तो भी एक कट सीन प्ले हो रहा है। वैसे ये मिशन है ना मैंने अपनी PC में यार कम्प्लीट करी है, लेकिन यार उसमें दिक्कत अभी ये है कि मेरा PC खराब हो चुका है। हमें ऐसा करना है कि इन सभी होस्टेजेस के ऊपर एम करके इन्हें अंदर जाने के लिए कहना है। तो बेटा जल्दी से अंदर जा, हाथ ऊपर कर और अंदर चल 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 शाबाश जल्दी से अंदर जा। हमारा ड्राइवर दोस्त भी आ चुका है, हमें ऐसा करना है कि अपनी फोन निकाल कर ये ना बॉम्ब एक प्लांट करके आए, तो जल्दी से इसको डेटोनेट करना है। तो भाई साहब 3, 2, 1 और ये हो गया ब्लास्ट। आई हाय हाय यार मजा आ गया। गाइस अगर तुमने भी यहाँ तक वीडियो देखा है तो सबसे पहले यार मैं तुम्हें थैंक यू कहूँगा और दूसरी बात मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम भी इस वक्त सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के ब्लास्ट कर लो। तभी जल्दी से ऐसा करते हैं कहीं पुलिस ना आ जाए, इससे पहले हमें यह इस बैंक में जितना भी कैश है वो ले लेना है। तो सामने भाई साहब मुझे थोड़ा बहुत ना ज्यादा कैश दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से हमें ऐसा करना ये जो जमीन पर गड्ढियाँ पड़ी ना पहले मैं इन्हें उठाना है। तो मैं जल्दी से इनको उठा लेता हूँ, इसके बाद वो जो सामने वाला बहुत ज्यादा पैसा है ना इसको उठा लेते हैं। भाई साहब हम माइकल
इस बैग में डाल रहा है, ड्राइवर भी डाल रहा है। जल्दी से अभी हम पेस्ट से तो हमने ले ली है, अभी अलार्म भी बजना शुरू हो चुका है। तो इससे पहले मैं जल्दी से निकलता हूँ कि ऐसा ना कि पुलिस ना जाए। वेट भाई, ये कौन है? इसने तो यार अपनी माइकल को होस्टेज बना दिया है। भाई स्वामी, अब पर माइकल का तो इसने मास्क भी उतार दिया है। ये कह रहा है कि मैंने तुम्हारा शक्ल देख लिया है। यार गंजे शक्ल लेकर क्या करेगा, तुम देखना कि मैं तुम्हें कैसे मौत का मजा चखाता हूँ। तो यहाँ पर भाई मैंने ड्राइवर के ऊपर स्विच कर दिया है एंड इस गंजे की गंज के ऊपर ही हेडशॉट भाई, गया खत्म, बाय बाय। यार ये हेडशॉट मैंने किससे मारा, मुझे तो यार बहुत मजा आ गया। तो मेरे अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अभी हम ऐसा कर देंगे, चलते हैं बाहर क्योंकि वहां पर ना हमारा पुलिस वेट कर रही है। हमें ऐसा करना है, पुलिस वालों को भी बहुत ही गंदे तरीके से मारना है। सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर एक कवर ले लेता हूँ क्योंकि वो जो सामने वाला दरवाजा है ना, ये लॉक्ड है। तो इसका अपना जो दोस्त है ना, वो एक बॉम्ब लगाकर सबसे पहले इसे ब्लास्ट करेगा, इसके बाद हम बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर यार मेरी जो मोबाइल की ब्राइटनेस थी ना, इसको मैंने थोड़ा इंक्रीज कर दी है। ये जो दरवाजा है सामने वाला, ये ब्लास्ट हो चुका है। इन ऊपर से पता नहीं कौन सा धुआं निकल रहा था, कोई बात नहीं, अभी ये भी बंद हो चुका है। जल्दी से ऐसा करते हैं, ड्राइवर यार शटर को ओपन करो एंड बाहर पुलिस जो अपना इंतजार करिए। मैं पहले इसके ऊपर एम कर लेता हूँ, जैसे ही पुलिस वाला देखेगा दम देखना, सामने पुलिस वाले मेरी तरफ आ रहे हैं, अपनी तरफ आ रहे हैं। भाई साहब यहाँ पर उनको जल्दी मारो। मैंने सोचा कि दो तीन पुलिस वाले होंगे, लेकिन यहाँ पर तो ये बहुत सारे पुलिस वाले हैं। कोई नहीं, हम भी एक बहन दो नहीं बल्कि तीन दोस्त हैं। पहले देख रहे हैं कैसे गंदे तरीके से मार रहा हूँ। एक को तो मैंने खत्म कर दिया है, दूसरा यहाँ पर छुप चुका है। बेटा छुपता कहाँ है यार, इसको मैं मारने वाला था लेकिन मेरी गन में गोलियाँ खत्म हो चुकी हूँ। कोई नहीं, मैंने रिलोड कर दिया, ये भी गया। एंड इसकी यार किस्मत अच्छी थी कि थोड़ा देर से मरा, लेकिन ऐसा हुआ कि मर गया। सामने वाले को मैंने खत्म कर दिया। बेटा तो हमारे तरफ का आ रहा है, जल्दी से ऊपर वाले के पास जाओ। एक सही हूँ यार, ये लेफ्ट साइड से भी आ रहे हैं। इन्होंने सोचा कि ये हमारे जो बंदे हैं माइकल जो अपना, ये भी गंजा है, इसको पीछे से मार देंगे। लेकिन भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पर तो भी निकल, जल्दी से निकल। एंड सामने वाला वो जो है ना, वैन के पीछे से मुझे गोलियां मारा है। ये जो अपने दोस्त है ना यार, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे तो लगता है सबको मैं ही मारा हूँ। ये तो मुझे लगता है कि हवा में गोलियां चला रहे। अभी यहाँ पर भाई तो भी निकल। मेरी यार वेट हेल्थ भी बहुत ही कम हो चुकी है, मेरे पास कोई मेडकिट वेडकिट भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, यहाँ पर पुलिस वाले भी बहुत ही थोड़े हैं, जल्दी से मर जाएंगे। एक दो गया, मैं अपनी गन को रिलोड करके जल्दी से इसको भी खत्म कर देता हूँ। बेटा तो भी पहले फुर्सत में निकल। भाई ये बच गया यार, अपनी गन में बहुत जल्दी से यार रिलोड मांगती है। खैर इसको मैं जल्दी से खत्म कर देता हूँ। एंड ये सामने मेन तरफ पर वेट भाई साहब, इसने यार इसकी भैंस की टांग मेरे को गोली मार दी। यार मैंने कवर भी ले लिया, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा बाहर निकला तो इसने हमें खत्म कर दिया। मिशन फेल्ड हो चुकी है। कोई बात नहीं गाइस, अभी तुम ऐसा करोगे, तुम अपनी GTA सॉरी इंडियन माइक ड्राइविंग 3D के अंदर इस GTA 5 मोड को प्ले करो। इन इसमें तुम इस मिशन को फुल कंप्लीट करना। तुम्हें ये मोड कहाँ से मिलेगा, तो तुम ऐसा करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिए, जल्दी से वहाँ पर उसको क्लिक करके GTA 5 का जो APK है ना, उसको डाउनलोड कर लो। एंड उसको जैसे ही तुम ओपन करोगे तो यहाँ पर जो हमने मोड प्ले किया था ना GTA 5 का फर्स्ट मिशन, उसको तुम खेल सकते हो। एंड अपनी GTA 5 अपनी मोबाइल में GTA 5 का मजा ले सकती है। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें थोड़ा भी मजा आया हो तो।